होम्योपैथोंग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का ये पहला होम्योपैथोंग, इसमें मैं बात करूँगा सबसे ज़्यादा एक वो इशू जो कि हमें दरपेश होता है, ख़वातीन को भी दरपेश होता है, हमारी जो बच्चियाँ हैं उनको भी, बच्चों को भी, मेल्स को, फीमेल्स को, सबको दरपेश होता है। उस एक मेडिकल इशू पे मैं बात करूँगा, उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी, उसके होम्योपैथिक सिम्टम्स के बारे में बात करूँगा, उसकी रीजंस क्या हैं उसके बारे में बात करूँगा, और उसके जो घरेलू मुस्तअमल जो एक हमारे पास टोटके होते हैं उसके बारे में बात करूँगा। तो ज़रूर आप देखिएगा होम्योपैथोंग में, इंशाल्लाह आपको बड़ी वैल्यूड इंफॉर्मेशन डिजीज़ के बारे में, होम्योपैथी के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, पैथोलॉजीज के बारे में, और वैल्यूड जो वो एक मेडिको साइंटिफिक नॉलेज है उस बारे में आपको देखने का मौका मिलेगा। तो देखते रहिए होम्योपैथोंग विद डॉक्टर कामरान। जी हाँ नाज़रीन, आज मैं बात करूँगा डैंड्रफ या खुश्की जिसे हम कहते हैं, इस टॉपिक पे मैं बात करूँगा, ये होती क्या है और इसकी रीजंस क्या हैं, इसकी अलामत क्या होती हैं, और कौन कौन सी अलामत के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो हैं वो इस्तेमाल की जा सकती है। रेमेडीज़ के बारे में फॉर श्योर मैं चूँकि प्रोफेशनल नहीं है कि मैं ऑनलाइन रेमेडीज़ के बारे में बात करूँ, अलामत के बारे में बात करूँगा। अगर ये अलामत मेरी सुनने वालों में, ख़वातीन में या मर्दों में, बच्चों में, बच्चियों में किसी मौजूद हो तो वो ऑनलाइन कंसल्टेंसी के लिए, ऑनलाइन मशवरे के लिए राब्ता कर सकते हैं, और फॉर श्योर उनको इसका डिटेल, उनकी केस टेकिंग की जाएगी, और उनको ट्रीटमेंट के लिए रेमेडीज़ भी प्रिस्क्राइब की जाएंगी। डैंड्रफ ये है क्या? नाज़रीन, अगर डैंड्रफ के बारे में मैं बात करूं तो ये एक तिब्बी या मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपकी ये जो स्कैल्प है, जैसे कि हम जानते हैं कि पूरी वजूद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ढांपा हुआ है, इसकी कॉस्मेटिक रीज़न के लिए स्किन से या चमड़ी से या जल्द से, और ये जल्द हमारे सर में भी मौजूद होती है, और बालों के नीचे की जल्द को हम स्कैल्प कहते हैं। अब स्कैल्प में जो एक सबसे पहले मैं ये नाज़रीन बताता चलूँ कि जो नॉर्मल एक फिजियोलॉजिकल सिचुएशन है कि आपके जो आपका सबसे लोअर लेयर ऑफ स्किन है जिसको स्ट्रटम जर्मिनेटिवम कहते हैं, वहाँ से सेल अपनी प्रोलिफरेशन का अमल शुरू करता है, और सेल मिच्योर होते 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 वो अपने अपर लेयर ऑफ द स्किन जिसको स्ट्रटम कॉर्नियम कहते हैं उस लेयर पे आता है, और फिर वहाँ से उसको शेड होना होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है फ्रॉम द डीपर लेयर टू द सुपरफिशियल लेयर, जो स्किन का एक सफ़र है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। अब डैंड्रफ या खुश्की में होता क्या है कि इसमें ये जो जो एक सफ़र है इसमें तुंदी और तेज़ी आ जाती है, और जो आपका सुपरफिशियल लेयर पे जो सेल्स होते हैं, जो कॉर्नियोसाइट्स होते हैं, वो बड़ी एग्रीवेटेड सिचुएशन में होते हैं, और इस एग्रीवेटेड सिचुएशन और इस तबी हालत को जो मेडिकल इस्तेलाह में नाम दिया जाता है वो खुश्की का या डैंड्रफ का नाम दिया जाता है। यानी नाज़रीन, खोपड़ी से जो जिल्द के, स्कैल्प से जो जिल्द के डेड सेल्स होते हैं जिनको हम कॉर्नियोसाइट्स कहते हैं, उनके बहाव का जो अमल है वो फिजियोलॉजिकल एरेना से निकल के पैथोलॉजिकल एरेना में आ जाता है, यानी वो उनके बहाव में तेज़ी आ जाती है, शेडिंग तेज़ हो जाती है, और उस शेडिंग की वजह से आपके जो स्कैल्प है उस पर वाइट किस्म के फ्लैक्स वो जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात वो फ्लैक्स जो है वो बिल्कुल ऐसे फील होते हैं जैसे बिल्कुल बर्फ़ की सी कैफियत है बालों में, या फिर जैसे किसी ने कुछ वाइट पाउडर छिड़क दिया हो, जो आप फील कर सकते हैं अपने भवों पे भी, अपने
बैक ऑफ द नेक पे भी और अपने ये कांधों पे भी आप उसको महसूस कर सकते हैं जब वो फ्लैक्स गिरती है। इस सूरत हाल को हम कहते हैं डैंड्रफ। नाज़रीन, यूजुअली हमारी जो स्कैल्प है उस पर एक ख़ास किस्म की खमीर या फंगस जो है वो मौजूद होती है, उगती है, जो कि इस शेडिंग ऑफ द डेड सेल के इस अमल को मज़ीद एग्रीवेट करती है। और उस फंगस का जो मेडिकल नाम है वो टायरोस्पोरम ओवेल उसे कहते हैं। ये फंगस की जो बेसिक खुराक होती है वो यहीं जो फ्लैक्स है ये उनकी खुराक होती है। द मोमेंट यू नो ये पैदा होता है, ये फ्लैक्स पैदा होती है, ये ड्राइनेस पैदा होती है आपके स्कैल्प पे, उतनी ही वो फंगस जो है वो उसकी नश्वनुमा भी बढ़ती है। तो नश्वनुमा फंगस की आपके स्कैल्प पे बढ़ती है तो उसी के साथ साथ ड्राइनेस की जो सिचुएशन है वो भी बढ़ती है। नाज़रीन, पूरी स्किन को अल्लाह करीम ने शफाफ और मुलायम रखने के लिए इस पे ख़ास किस्म के ग्लैंड्स रखे हुए हैं जिनको हम सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, और जिनमें से सीबम निकलता है, ख़ास किस्म का तेल निकलता है। स्कैल्प पे भी वो सीबम निकलता है। और एक रीज़न ये भी है ड्राइनेस की कि वो जो आपका सेबेशियस ग्लैंड के जो पोर्स हैं या जो स्कैल्प के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स हैं वो क्लॉक कर जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। दैट्स व द रीज़न स्किन जो है वो अपर लेयर ऑफ द स्किन वो ड्राइनेस का शिकार हो जाती है। ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से आपकी जो ड्राइनेस की जो सिचुएशन है वो एग्रीवेट होती है। ड्राइनेस और डैंड्रफ की जो रीजंस हैं वो कुछ तो इंटरनल हैं और कुछ एक्सटर्नल हैं। इंटरनल में नाज़रीन आपकी जो आपको बताता चलूँ कि जो हार्मोन्स हैं दे आर प्लेइंग वाइटल रोल इन द प्रोलिफरेशन ऑफ सेल प्रोसीजर, फिजियोलॉजिकल सेल प्रोसीजर, जो कि मैंने आपको बताया कि लोअर रीजन से सेल प्रोड्यूस होते हैं स्ट्रेटम लोअर लेयर से, और फिर वो स्ट्रेटम अपर लेयर तक, एपिडर्मल लेयर तक, जिनको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, उस लेयर तक का ये सफ़र होता है। और उसकी तेज़ी ही के अमल को हम ड्राइनेस या डैंड्रफ की जो है वो तिब्बी हालत के नाम से जानते हैं। नाज़रीन, जैसे कि मैंने कहा कि इसकी अंदरूनी रीजंस हो सकती हैं ड्राइनेस की और बैरूनी रीजंस हो सकती हैं। तो अंदरूनी रीजंस में जो सबसे अहम है वो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो हार्मोन्स की सिचुएशन का जो एक नॉर्मल पैटर्न है प्रोडक्शन का, वो इम्बैलेंस होना, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जो कि हमारी प्यूबर्टल एज में ख़वातीन की या इवन मेल्स की जो है उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स व द रीज़न कि उनको ड्राइनेस की शिकायत आती हैं। आपको बताते चलूँ, ड्राइनेस को इतनी परेशान या ख़तरनाक कॉन्टेजियस किस्म की सूरत हाल नहीं है, बट फॉर श्योर अगर आपने इसकी टेक केयर ना की, इसको प्रिवेंट ना किया, तो दैट कैन लीड यू टू द मेल पैटर्न बाल्डनेस या जो हम गंजपन कहते हैं, मर्दाना गंजपन, उसकी तरफ ये प्रोग्रेट कर सकता है। दैट्स द रीज़न इसकी टेक केयर लाजमी है। दूसरी जो नाज़रीन अंदरूनी रीजंस हैं उसमें टेंशन, डिप्रेशन, हिफ्ज़ान सेहत की सूरत हाल का मैल सिचुएशन में होना, मैल नरिश्ड होना, एलर्जीज का होना, और आपके खुराक में चीनी, चिकनाई और इस किस्म की चीज़ों का ज़्यादा होना, नशास्तादार चीज़ों की इस्तेमाल का ज़्यादा होना, ये वो सारी रीजंस हैं जिनको हम इंटरनल रीजंस में डालते हैं जिनसे आपको डैंड्रफ और खुश्की की शिकायत हो सकती है। और नाज़रीन, जहाँ तक बैरूनी रीजंस हैं ड्राइनेस और डैंड्रफ की, तो उसमें आप जानते हैं कि जिस तरह के हम लाइफस्टाइल मीडिया की इश्तहारात की वजह से हमारी सब कॉन्शियस ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो चुकी है, हम गलत किस्म के जो है वो कल्चर अडॉप्ट की सूरत हाल में जा चुके हैं। हम अपने बालों को मस्नूई वो करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं, उनको कलर देते हैं, ये रीज़न है ड्राइनेस और डैंड्रफ की। हम जेल का इस्तेमाल बहुत करते हैं अपनी नमूद व नुमाइश के लिए, बालों की को आरास्ता करने के लिए।
This is one of the reason of dandruff and dryness that we use to use, you know, gels, sprays. हम जेल्स का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रेज का इस्तेमाल करते हैं, ड्रायर से हम अपने बालों को खुश करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कलर्स हम बालों को अप्लाई करते हैं, शैम्पूज का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं. फॉर श्योर दीज द रीजन्स दैट विल यू नो लीड टू डैंड्रफ एंड और ड्राइनेस ऑफ द स्कैल्प. और नाजरीन, इसके अलावा बैरूनी रीजन्स में बहुत ज़्यादा इंटेंस सर्द एक्सपोजर या बहुत ज़्यादा इंटेंस गर्म एक्सपोजर अपने बालों को देना, या बहुत ज़्यादा धूप की सूरत हाल में बालों के होने से भी डैंड्रफ या स्कैल्प ड्राइनेस जो है वो हो सकती है. सो ये हुई आपकी अंदरूनी और बैरूनी डैंड्रफ या ड्राइनेस की.